वो आके पकड़ ले। बादशाह भाई, ये क्या बात हुआ? माना हम भी मान रहे हैं, ऑडियंस भी मान रहा है, सब मान रहे हैं कि तुम्हारा छोटा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने बाप को बोलोगे पकड़ने के लिए। तो लौंडो, किसी को बहुत ज्यादा ही खुजली हो रहा है। पोक के ऊपर पोक, पोक के ऊपर पोक, पोक के ऊपर पोक, पोक पोक पोक। तू बता के क्या भोसड़ी के? ये है एनिमेशन वाला चियान और ये है रियल लाइफ चियान। ये भी गाता है और ये भी गाता है, पर इन दोनों में एक फर्क जरूर है। कार्टून वाला गद्दार नहीं है। तो स्वागत है आप सबका सोशल लौंडा के एक और वीडियो पे। गाइस, बहुत दिनों बाद ये इंट्रो मारा मैंने रोस्टिंग के लिए। तो ये देखो लौंडो, तुम लोग मानो या ना मानो, आज से 10 साल पहले या फिर बोल सकते हो मेरे बचपन के टाइम पे हम सब योयो के गाने पे योयो किए हैं। अगर सही है तो यस बोलो कमेंट पे। बोलो यस, नहीं बोलोगे गद्दारी कर बे। पर ये मोटा जियान इतने मोटे होने के बाद भी ये मोटा जैकेट पहनता है। अब ये मत बोलना कि झाटू तुझे जैकेट का नाम भी पता नहीं है, तू रोस्ट करना छोड़ दे। तो गांडू, मैं जैकेट का नाम पता करके क्या करूं? क्या फायदा, यूपीएससी में आएगा क्या? तो बादशाह और उनके चमचे, मतलब कि रफ्तार, इनको हजम नहीं होता है कि हनी सिंह इनका बाप है। जैसे कि तुम सबको पता है बादशाह बीच बीच में पोक करते रहता है, बोल रहा ना पोक पोक। हाँ, तो वो पोक करते रहता है हनी पाजी को। रिसेंटली उसने एक गाना निकाला जिसमें उसने फिर से पोक किया, बोले तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा, चूतिया है क्या? फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। कमबैक उनका होता है कि जो खो जाते हैं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, तो कमबैक उसका होता है जो खो जाते हैं। हनी पाजी मार्केट पे ना होते हुए भी उनका सॉन्ग इतना चलता है कि तू मार्केट में अकेले होके भी नहीं चल पाता। मतलब तेरे गाने, सरल भाषा में बोलूँ तो तू मैदान में अकेले खेलता है फिर भी तेरे पिछवाड़े लाल होता है। भाई हाँ, बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा? तेरा बाप का गांडू, अरे बाप से गोके। ये मेले वाला बलून इतना दोगला है कि अपने ही बाप का कोई इज्जत नहीं है ना, थोड़ा सा भी नहीं है। मैं शाहरुख खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, तो जब मैं अपने लिए एक स्टेज नेम ढूंढ रहा था तब उनकी फिल्म आई थी बादशाह, तो मैंने सोचा बादशाह रख लेते हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम है, देख लेना सर। ए भाई, मम्मी या ओदा कह लो भी हनी भाजी भी उन्होंने भी दस्या भी कहते है, कहते यू लिव लाइक अ बादशाह, मतलब तू जब तेरा मन करता तू फोन चकदा है, जब तेरा मन करता तू उठता है, तो फिर उस तो बाद बस बादशाह डिसाइड हो गया भाई। ओके कितना दोगला सोच इंसान है, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपना ही स्टेटमेंट चेंज कर दिया पूरी तरह से। और तुम सब सोचो हनी पाजी अपने डाउनफॉल पे मखना और मस्त किस जैसे गाने, जो कि ये बादशाह तब भी नहीं उससे बीट कर पाया, और ये बोल रहा है कि कम बैक ही नहीं हो रहा। अच्छा और सोचो उनका अगर कम बैक हो गया तो तुम्हारा बैक का जाना फिर किसी चूहे के बिल में छुपने के लिए, पर कैसे छुपोगे साले, इतने जो मोटा है चूहा भी बोलेगा निकल मादर। बादशाह भी दिल मत छोटा करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ। तुम किसी गोबर के ढेर में मुंडी दे दो, वो जाएगा नहीं, तुम्हें कोई छेड़ेगा नहीं, क्योंकि सुअरों का। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। इनका ऐसे कंट्रोवर्सी चलता ही रहेगा, बादशाह भाई को ज्यादा हेट मत दो और हनी पाजी को सपोर्ट फुल सपोर्ट दो, पर बादशाह को छोड़ो ना, करने दो उसको। हनी पाजी ऐसे गाने से उसको समझ रहे हो ना, गु खिला देगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, अभी सपोर्ट कर जरूरत है, शेयर कर दो यार इधर उधर, मेरे जरूरत होते रहता है। मेरा ही कम बैक नहीं हो रहा है, असल में कम बैक ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आगे कर रहा हूँ कम बैक, सपोर्ट करो तुम भी। बाय।